गर्मी के मौसम में इन दिनों मौसमी बीमारियों के साथ ही एक खास प्रकार के मच्छर के काटने से फैलने वाली घातक बीमारी मलेरिया का भी खतरा बढ़ रहा है। करौली के सामान्य अस्पताल में मौसमी बीमारियों के साथ ही मलेरिया के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी आने लगी है। यह एक घातक बीमारी है और जिस मच्छर के पनपने से यह बीमारी फैलती है, वह मच्छर भी गर्मी के मौसम में ही इन दिनों में गंदगी में ज्यादा पनपता है। इसी कारण अस्पताल में रोजाना मलेरिया से ग्रसित कई रोगी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा खतरा हर उम्र के लोगों के साथ 0 से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादा रहता है। अगर समय रहते हुए मलेरिया का इलाज नहीं करवाया जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है। इसके प्रकोप से बचने के लिए करौली में मलेरिया क्रैश कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव रखने के लिए यह कार्यक्रम करौली में 14 दिन तक संचालित रहेगा, जिसमें घर घर जाकर आमजन को मलेरिया से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। मलेरिया क्रेस कार्यक्रम संचालित है, जिसमें आम जन को स्वास्थ्य कर्मियों की टीमों के द्वारा सोर्स रिडक्शन, एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट गतिविधियां एवं आईसी गतिविधियों के द्वारा मच्छर जनित बीमारियों से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के लिए सचेत किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर गंदे पानी में पनपता है। इसके बचाव के लिए घरों के आसपास पानी जमा न हो, कूलर, फ्रिज, ट्रे और पक्षियों के परिंडे, कबाड़, गमलों में पानी को समय समय पर बदलते रहें। रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। अचानक तेज सर्दी लगकर बुखार